अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमराज चैनल में। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, दोनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा अहम है। पहला है यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से। वो कहा जाता है ना कि 2 inches ऑफ आइवरी, यानी कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। तो इस वक्त कमांडर इन चीफ यूक्रेन के वैलरी ज़ेलेंस्की, उन्होंने काफ़ी अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया है वेस्टर्न और अमेरिकन साइड को। दूसरा, यहाँ बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के हवाले से कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं जिसकी वजह से JAS-39 ग्रिपन की प्रोक्योरमेंट इंडिया कर सकता है अपने MRFA प्रोग्राम के थ्रू। ये बहरहाल सोशल मीडिया पर छिड़ने वाली एक बहस है, इसको हम ज़रा एनालाइज करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलरी ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपना एक रिसेंट बयान दिया है कि जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन ने शुरू किया हुआ है रशिया के खिलाफ, वो कोई अच्छा नहीं जा रहा, बल्कि इस काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में फेलियर देखने में आ रहा है, या इस काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन को ही मार खानी पड़ रही है। और उसकी वजह क्या है कि मगरबी ममालिक यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, जिसे हम नेटो कहते हैं, और अमेरिका जो कि उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कंट्री है, ये वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। यहाँ कुछ उन्होंने अहम बयान भी दिए हैं या अहम बातें यहाँ डिक्लेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि हमें एक दिन में कम से कम 1 लाख शेल्स की ज़रूरत है, और ज़्यादातर जो यूक्रेनियन साइड और रशियन साइड शेल यूज़ कर रही है वो 155 mm के शेल्स हैं, जो कि बड़ी तोपें या बड़ी आर्टिलरीज यूज़ करती हैं। अब यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े पैमाने पर ये जंग जारी है। अगर यहाँ आप इस नक्शे को भी देखें, यूक्रेन का मशरकी हिस्सा बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त रशिया के अंडर है, और यहाँ जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये वो इलाके हैं जहाँ यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ये काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जिन इलाकों पर, जो ये सुर्ख रंग के इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, ये यूक्रेन का हिस्सा थे, लेकिन इस वक्त अब रशिया का यहाँ कब्जा हो चुका है जब से जंग शुरू हुई है। अब इन इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहाँ खैरसन का इलाका है, लोंजुक का एरिया है, डोनस्टेक है, उसके अलावा क्रीमिया का एरिया जो कि टोटली इस वक्त रशिया के अंडर है, मारियोपोल का एरिया है, ये वो तमाम एरिया है जहाँ रशिया अपना कब्जा कर चुका है, और इन एरियाज को वापस लेने के लिए काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है। काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका ने यकीन दहानी कराई थी कि हम आपकी हर लिहाज से मदद करेंगे, लेकिन ये सपोर्ट आप कब तक देंगे? इस वक्त अगर आप वेस्टर्न साइड पर चले जाएं तो फ्रांस में दंगे फसादात हो रहे हैं, वेस्टर्न साइड खुद इस वक्त अपने अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा मसरूफ है, रशिया भी कोई बिल्कुल अमन के साथ नहीं बैठा हुआ, रशिया में भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, एक तरफ वैगनर PMC है, दूसरी तरफ प्यूटन है, और प्यूटन के हमायती जनरल्स हैं, यानी कि केओस और तबाही देखने को मिल रही है, और वो दोनों फ्रीकैन के अपने इंटरनल मसाइल भी हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा भी है। यूक्रेनियन कमांडर इन चीफ इस बात पर जोर देते हैं कि भाई हमें F-16 दे दो, खुदा का वास्ता है, लिटरली वो ये ऐसा ही कहते हैं कि हमें हर हालत में F-16 चाहिए। उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई 120 F-16 या बहुत बड़ी तादाद में F-16 चाहिए, और ना ही हमने कोई दुनिया से जंग लड़नी है, बस हमें थोड़े से F-16 तो दे दें, मतलब थोड़े से ही दे दो F-16, क्योंकि इस वक्त यूक्रेनियन एयरफोर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा अबतर है। यूक्रेनियन एयरफोर्स के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं, उन्हें या तो रशियन एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया या रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट ने। उन्हें कुछ MiG-29 भी दिए गए थे जो कि बहुत अच्छे साबित नहीं हो सके। यूक्रेन इस वक्त नज़र रखे हुए F-16 पर, और यूक्रेनियन पायलट ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बात वाजे की थी कि अगर वेस्टर्न साइड के जो एयर लॉन्च वेपन्स हैं और दूसरा इक्विपमेंट है, उसका हम बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास एक उन्हीं का ही फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि एक वेस्टर्न फाइटर जेट जैसा कि F-16 है, वो मौजूद हो, क्योंकि उनके सोर्स कोड एक दूसरे से मिलते होंगे, इंटीग्रेशन बेहतर होगी। तो इसी तरह जो स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल्स हैं या हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। यूक्रेनियन साइड पर भी आपको स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा, तजाद नज़र आएगा। ज़ेलेंस्की ने 30 जून को ये कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है, और हमने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आती कामयाबियां, पता नहीं कहाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन कमांडर इन चीफ कह रहे हैं कि बड़ी मार पड़ रही है। दूसरा, बहुत से वेपन्स इस वक्त प्रोवाइड किए गए जिनमें पैट्रियट सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, उसके अलावा लेपर्ड टैंक्स हैं, और उसके अलावा MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट, और बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इतना कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी ये तमाम चीज़ें अपने अख्ताम की तरफ नहीं पहुंच रही,
और एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है जिसको लड़ना पड़ेगा। आप सीधे होके लड़ो, उल्टे होके लड़ो, ये लड़ना तो पड़ेगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपनी फाइटर स्क्वाड्रन को 42 के नंबर तक लेकर जाना चाहती है। उसकी वजह क्या है कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन की तादाद है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से खित्ते में उनको चाइना से मुकाबला तो दूर की बात, शायद पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी मुकाबला करने में दुश्वारी का सामना हो। क्योंकि एक वक्त था जब इंडियन एयरफोर्स ये समझती थी कि अगर उनके पास 42 स्क्वाड्रन होंगे तो वो टू फ्रंट वॉर लड़ सकेंगे, क्योंकि वो पहले से इस चीज़ को भांप चुके थे कि चाइना और पाकिस्तान गठजोड़ कर रहे हैं। अगर मौजूदा पाकिस्तान के स्क्वाड्रन की बात की जाए जस्ट फाइटर स्क्वाड्रन की, तो 21 से 22 के करीब फाइटर स्क्वाड्रन, आई थिंक 23 हैं। अगर बाकी इक्विपमेंट का स्क्वाड्रन भी मिलाए जाएं, जैसा कि टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो फिर टोटल जो तादाद है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की वो पहुंच जाती है 31-32 के नज़दीक। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब है। इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर स्क्वाड्रन है वो सिर्फ 31 की तादाद में है, जबकि चाहिए इंडियन एयरफोर्स को कम अज़ कम 42 से 45 स्क्वाड्रन। इन 31 या 30 स्क्वाड्रन में अगले 3 सालों में, यानी कि 2025 तक, 3 स्क्वाड्रन MiG-21 के और कम हो जाएंगे। फिर 2028 या 2029 तक मिराज 2000 जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट भी निकालने पड़ेंगे, जो कि 6 से लेकर 10 स्क्वाड्रन तक और बन जाएंगे। यानी कि इंडियन एयरफोर्स पर इस वक्त स्क्वाड्रन की कमी और अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए एक तलवार लटक रही है। यहाँ उम्मीद की एक किरण इंडिया का LCA एयरक्राफ्ट है, जिसे तेजस कहा जाता है। तेजस MK-1A के 83 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में इसकी डिलीवरी शुरू होगी। तेजस MK-2 ऑन पेपर है, अभी उसको बनाने की बातें चल रही हैं। उसकी फर्स्ट फ्लाइट कहा जा रहा है कि 2025 में होगी। इस दौरान बहुत अहम एक काम हुआ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है इंजन बनाती फाइटर एयरक्राफ्ट के, उनका मुआहदा हो गया। मुआहदा ये हुआ कि अमेरिका F414 इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा इंडिया को। ये इंजन 61 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है बगैर आफ्टर बर्नर के, और इसकी टोटल थ्रस्ट है 98 किलो न्यूटन। यहाँ एक बहुत आम चीज़ है कि ये इंजन बुनियादी तौर पर तो इंडिया ले रहा है अपने तेजस MK-2 के लिए। इसकी 80% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर प्रोवाइड की है अमेरिका ने, लेकिन बाकी 20% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या? ये बहुत आम चीज़ है, क्योंकि हम नॉर्मली इस चीज़ को मिस कर देते हैं। हम सिर्फ 80% का एक फिगर देख के खुश हो जाते हैं, 80% टेक्नोलॉजी है 414 इंजन की मिल गई, क्या बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेरिका इस तरह की वॉर डिप्लोमेसी को बहुत अच्छा खेलता है। नोम चॉम्स्की ने एक बुक लिखी थी माइंड कंट्रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उसमें उसने मीडिया के किरदार को, इस वॉर डिप्लोमेसी को खास तौर पर, कि किस तरह वेपन्स को यूज़ करते हुए दूसरी कंट्रीज पर कंट्रोल रखा जाता है, ये उसने काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ें बातें की थी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका इन कामों में बहुत मास्टर है। अगर इंडिया इसके मुकाबले में किसी रशियन इंजन की 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेता है तो रशिया कभी भी तंग नहीं करेगा। रशिया छोड़ के फ्रांस, स्वीडन, चाइना जैसी कंट्रीज भी अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिहाज से किसी को ज़्यादा तंग नहीं करती, अपने किसी कस्टमर को। लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा तंग करता है। अमेरिका अपने वेपन्स बेचता है दूसरे कंट्रीज़ को, बाद में उनसे अपनी बातें भी मनवाता है। हमने सेम चीज़ मलेशिया के साथ भी देखी थी। मलेशिया शायद कुछ मामलों में तेजस की तरफ जा सकता था, लेकिन अगर वो तेजस की तरफ जाते, एक तो F-50 के मामले में फिर कोरिया और अमेरिका का नुकसान होना था, दूसरा अमेरिका ने अपने F-18 एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स रोक लेने थे मलेशिया के लिए। सो मलेशिया ने चुपचाप F-50 एयरक्राफ्ट को चूज़ कर लिया, जिससे उनके F-18 जंगी तैयारों के स्पेयर पार्ट्स का मसला रुक गया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि F414 इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को दी जा चुकी है, और इंडिया इन इंजन को अपने मुल्क में तैयार करेगा, और इनके बाकी 20% जो हिस्से हैं वो अमेरिका से आएंगे। यानी कि अमेरिका बहुत से क्रिटिकल पार्ट्स को अपने हाथ में रखेगा। यहाँ JAS-39 ग्रिपन, जो कि इंडिया अपने MRFA प्रोग्राम के लिए 114 जंगी तैयारी लेना चाहता है, उनमें मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट इस वक्त कंपटीशन में है। राफेल भी है, SU-35 भी है, JAS-39 ग्रिपन भी है। JAS-39 ग्रिपन के यहाँ चांसेस ज़्यादा बेहतर हुए हैं। वो इस तरह कि JAS-39 ग्रिपन अपना EF वर्जन इंडियन एयरफोर्स के लिए लेकर आया है, और उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो वो कह ही रहे हैं कि हम आपको देंगे। दूसरा, JAS-39 ग्रिपन का जो EF वर्जन है वो भी सेम F414 इंजन को यूज़ करता है, जो कि तेजस MK-2 यूज़ करेगा। इससे इंडिया JAS-39 ग्रिपन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लेकर आ सकता है। JAS-39 ग्रिपन का EF वर्जन एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जबकि JAS-39 ग्रिपन का ABCD वर्जन ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे JF-17 ब्लॉक 3 है, तेजस MK-1A है। लेकिन जो ग्रिपन EF एयरक्राफ्ट है ये कंपेरेबल है तेजस MK-2 के साथ, और उसी तरह की डायमेंशन के साथ आता है। इस पे 10 हार्ड पॉइंट्स हैं, 7200 किलोग्राम का पेलोड है, ये F414 इंजन को यूज़ करता है, और एक ES
05 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार के साथ इक्विप होगा। 2021 के आखिर में इसे सीरियल प्रोडक्शन में भेज दिया, यानी कि अब इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज वगैरह ब्राजील और इस जैसे दूसरे कंट्रीज को की जाएंगी। एक बहुत ही डिसेंट फाइटर एयरक्राफ्ट है, कनाल डेल्टा विंग्स को यूज करता है और मीटियोर जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ भी लेस है। बहरहाल ये एक सोशल मीडिया पर डिबेट है कि F414 इंजन के TOT डील होने के बाद ग्रिपन एयरक्राफ्ट के चांसेस ज्यादा हुए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई बात सही है? क्योंकि जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स मजीद राफेल एयरक्राफ्ट ही ले सकती है, क्योंकि राफेल की तरफ इंडिया का झुकाव ज़्यादा है। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।